सब्सक्राइब कीजिए सीओबी वर्ल्ड चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को फॉर गेटिंग एवरी लेटेस्ट अपडेट। सीओबी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, मैं हूं स्वप्नील और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद का डायरेक्ट सेकेंड ईयर 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क हम देखने वाले हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। अगर आपने डिप्लोमा किया होगा तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में फार्मेसी के लिए एडमिशन ले सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद में। तो लास्ट प्रीवियस थ्री ईयर का कट ऑफ का कंपैरिजन करके और एनालिसिस करके हम टोटल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वेरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। प्रीवियस थ्री ईयर का हम कंपैरिजन करके आपके साथ टोटल डेटा जो शेयर करेंगे और लास्ट ईयर के भी ऑनलाइन एग्जाम सब कंसीडर करके ही शेयर करने वाले फ्रेंड्स। तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ये चीज़ें चलने और डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी के रिलेटेड आपको वीडियो देखने होंगे तो सिर्फ एक बार चैनल पे जाके विजिट करके आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी कॉलेज ये प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी कॉलेज। तो इससे आपके डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी रिलेटेड सभी डाउट्स और प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ कि आपके डिप्लोमा के स्कोर के ऊपर आपको महाराष्ट्र में कौन कौन सा फार्मेसी कॉलेज लग सकता है, कौन कौन से कॉलेज में डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, इसके ऊपर 50 प्लस कॉलेज की लिस्ट आपके मार्क के बेसिस के ऊपर आपको मिल सकती है फ्रेंड्स, जो टोटली टॉप एक्सपर्ट से डिज़ाइन की हुई रहेगी। आपके मार्क के बेसिस के ऊपर 50 प्लस कॉलेज की लिस्ट आपको मिल सकती है, उसी लिस्ट को आप आपके कैप राउंड या फिर एडमिशन राउंड में यूज़ करके कॉम्पिटिशन को बीट कर सकते हैं। तो उस लिस्ट को मंगाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाना है, क्लिक करना है, टोटल इन्फॉर्मेशन को रीड करके सीओपी की काउंसलिंग फी पे करके सीओपी की टीम के साथ आप टोटली डिस्कशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ज़रूर आपके मार्क के बेसिस के ऊपर 50 प्लस कॉलेज की लिस्ट मंगाइए और कंपटीशन को बीट कीजिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद इसका डायरेक्ट सेकेंड ईयर का अगर हम कट ऑफ देखेंगे प्रीवियस थ्री ईयर का कट ऑफ का कंपैरिजन करके और एनालिसिस करके सभी चीज़ों को क्राइटेरिया को हम देख के ही चल रहे हैं फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्जाम को भी हमने इसमें कंसिडर किया है। तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो आप अगर आप ओपन कैटेगरी से आ रहे हो तो और आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में औरंगाबाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद में फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन लेना है, फर्स्ट राउंड का हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि फर्स्ट राउंड में हम देखेंगे, फर्स्ट सेकंड राउंड टू में थोड़ा रिस्क रहता है इसलिए हम राउंड वन में ही निपटा देंगे फ्रेंड्स। तो ओपन कैटेगरी के से आप आ रहे हो तो आपको 98.70% तक जनरल स्कोर लगने वाला है। अगर आप OBC से आ रहे हो तो आपको 95% तक स्कोर लगने वाला है। अगर आप SC कैटेगरी से आ रहे हो तो आपको 96.85% तक स्कोर लगने वाला है। अगर आप ST कैटेगरी से आ रहे हो तो आपको 93% तक स्कोर लग सकता है। अगर आप VJ या फिर NT कैटेगरी से आ रहे हो तो आपको 98.20% तक स्कोर लग सकता है फ्रेंड्स। उसी हिसाब से आप देख सकते हैं, ओपन के लिए 98.70%, OBC के लिए 98.55%, SC के लिए 96.85%, ST के लिए 93%, VJ या फिर NT कैटेगरी से आ रहे हो तो 98.20% तक आपको स्कोर लग सकता है। ये प्रीवियस थ्री ईयर का कट ऑफ का कंपैरिजन करके और एनालिसिस करके मैं आपके सामने इस वीडियो को ला रहा हूँ। आपके साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उसके भी कुछ इस वीडियो से हेल्प होनी चाहिए। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके रखे। डायरेक्ट सेकेंड ईयर रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी कॉलेज ये प्लेलिस्ट आप ओपन करके देख सकते हैं और फार्मेसी कॉलेज के वीडियो भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट से आपके सभी प्रॉब्लम्स और डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी 50 प्लस कॉलेज की लिस्ट आपके मार्क के बेसिस के ऊपर जरूर मंगाइए और कॉम्पिटिशन को बीट कीजिए। टोटल इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलने वाले फ्रेंड्स। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन को जरूर हिट करके रखें फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आपके प्रॉब्लम्स और डाउट ऐसे ही क्लियर होते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।